हेलो फ्रेंड्स, आज घर पर आसानी से दूध से बनाएंगे मसाला मलाई पनीर, जो बहुत ही सॉफ्ट बनता है। इसको बनाने के लिए हमने गैस पर 1 लीटर दूध चढ़ाया है। उसमें स्ट्रेनर में लौंग, इलायची और काली मिर्च डाल के उसको दूध में डाल दिया है। फिर थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी चीनी डाली है। उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। थोड़ी देर बाद इसमें हमने डालना है भुना जीरा और लगभग 1 चम्मच दही। इसको थोड़ी देर चलाने के बाद हम इसमें डालेंगे घी, जिससे ये बहुत सॉफ्ट बनेगा। फिर डालेंगे अदरक, हरी मिर्च और हरा धनिया। उसके बाद स्ट्रेनर को हम इसे निकाल लेंगे। दूध के उबाल आने से पहले हम इसमें डाल देंगे नींबू का रस और इसे धीमी आंच में पकने देंगे। आंच फुल नहीं करनी है, दूध अपने आप धीरे धीरे फट जाएगा। और ये देखिए, पानी और पनीर अलग हो गया है। फिर गैस ऑफ करने के बाद हमने इसमें तुरंत डालना है ठंडा पानी। ठंडा पानी डालने से ये सॉफ्ट ही रहता है। फिर हमने इसे छान लेना है इस प्रकार से। छानने के बाद इसको हम अच्छे से निचोड़ लेंगे और इस कपड़े में बांध के इसको किसी भारी चीज़ के नीचे रख देंगे। 3-4 घंटे छोड़ने के बाद हम इसे खोल के देखेंगे तो हमें हमारा पनीर बना हुआ मिलेगा। और इसको हम पीसेस में कट कर लेंगे। जिस तरह के पीसेस में आप कट करना चाहें, उस प्रकार से इसे आप कट कर सकते हैं। और हमारा पनीर बनके बिल्कुल तैयार है।